एडसन के अंदर काफी सारे लोगों का ये मसला आ रहा है कि उनके साइड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ये जिस तरह मेरे आ रहा है। गजब बेइज्जती है। उनके सिर्फ 5 ऑप्शन आ रहे हैं साइड का, यहाँ पे ऑप्शन ये किस तरह लाना है ये A to Z आज मैं बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पे देखें कि अगर मैं अकाउंट में जाऊं तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में जाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि सेटिंग के अंदर ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जाना है, तो यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है कि यूट्यूब होस्ट। और अगर दूसरे अकाउंट में जाऊं तो यहाँ पे साइड का ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि अभी यहाँ पे अकाउंट में जाता हूँ, यहाँ पे आपने सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद इन्फॉर्मेशन में जाना है, इसमें जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि यूट्यूब होस्ट लिखा हुआ है, लेकिन कॉन्टेंट भी लिखा है, लेकिन इसमें नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो ये कॉन्टेंट इस तरह ये लाना है, तो ये मैं आपको अभी बताऊंगा। सबसे पहले तो आपने गूगल पे जाना है, गूगल में जाने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है एडसन, ठीक है। एडसन लिखने के बाद यहाँ पे आपको ये वाली वेबसाइट आएगी, तो यहाँ पे इसी पे आपने क्लिक करना है। अगर कोई और वेबसाइट आए तो आपने उस पे क्लिक नहीं करना है। एडसन अर्न मनी फ्रॉम वेबसाइट मोनिटाइज, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साइन इन का भी ऑप्शन है और गेट स्टार्टेड पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। गेट स्टार्टेड पे मैं क्लिक करता हूँ। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके सामने एक मतलब के जीमेल आ जाएंगे, उसी जीमेल से आपने जिसके यूट्यूब का चैनल है ना जिस पे, तो उसी पे आपने ये एडसन का अकाउंट जो है लॉगिन करना है। तो यहाँ पे देखेंगे, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। इस पे मेरा यूट्यूब चैनल है, तो यहाँ पे देखेंगे ऑटोमेटिकली उन्होंने कहा है कि आपका इस पे यूट्यूब चैनल है। आपने यहाँ पे अपनी डिटेल वगैरह एक दफा देख लेनी है। तो मेरी पब्लिशर आईडी जो है एंड पे 340 लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे आऊंगा, तो यहाँ पे पहले मैंने जिस पे ये वेबसाइट आपको दिखाई थी ना कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में जाना है, तो ये वही मैंने पेज खोला हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे ये मेरा जो है पब्लिशर आईडी है, तो यहाँ पे इसी पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये वेबसाइट पूछ रहा है, तो मैंने उसी वेबसाइट का लिंक देना है, ठीक है, जो मैं अप्रूव करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि इसमें आऊंगा, तो यहाँ पे व्यू ब्लॉग पे क्लिक करूंगा। इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ऊपर से मैंने लिंक इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, मैंने GoDaddy से ना एक डोमेन ली हुई है, तो यहाँ पे इसको मैं कॉपी करूंगा, ठीक है। अगर आप भी लेना चाहते हैं तो मैं A to Z इस पे भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। इस पे पेस्ट करने के बाद यस पे क्लिक करूंगा और स्टार्ट पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। इस पे आपने क्लिक करना है, आपके सामने जो इंटरफेस आएगा आपके सामने होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ही इजी तरीके से हमारा जो साइट का ऑप्शन आ चुका है, ये सारे जितने भी ऑप्शन है हमारे आ चुके हैं। तो ये अकाउंट वगैरह, लोगो वगैरह सारा कुछ आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आप मेरी डोमेन वगैरह भी देख सकते हैं कि ये वाली मैंने ऐड करके दिखाई थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि GoDaddy में जाके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये वाली मैंने ऐड की थी, तो इसमें ऐड हो चुकी है, सब कुछ आपके सामने मैंने ये लाइव प्रूफ दिखा दिया। तो मैं इसी तरह की वीडियो अपलोड करता हूँ, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।